चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। सिवान जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के नथू छाप से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के बेटे ने अपने पिता की ही गला दबाकर हत्या कर दी है। उसके बाद से गाँव में कोहराम मच गया है। आपको बताते चले कि ये वारदात बीती रात की है, जब पिता अपने एक बड़े बेटा के यहाँ सोए हुए थे और उसी क्रम में मौके का नज़ाकत का फ़ायदा उठा करके छोटा जो बेटा है वह इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बड़े बेटे ने आरोप लगाया है कि छोटा भाई और उसकी जो पत्नी है दोनों मिल करके इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किए हैं। मृतक भगवान साहब बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जो बेटा है वो कंचन कुमार है, उसकी पत्नी लालती देवी है, और इन दोनों के द्वारा इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। वही श्रीमास जादव जो समाज सेवी हैं, उनका कहना है कि मामला जो है यह विभागीय भी चल रहा था, कई बार SDO के यहाँ सुनवाई के लिए भी गया हुआ था, लेकिन किसी तरह का कोई निदान नहीं निकल सका, जिसको लेकर के इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किया बेटे ने ही अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। अगर सदर अनुमंडल के यहाँ से कार्यालय से SDO के यहाँ से अगर SDO के द्वारा इस मामले की निष्पादन कर दी गई रहती तो आज इस तरह की बड़ी वारदात नहीं होती और पिता उनके जिंदा होते। तो आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही भी है, जो कि श्रीमास जादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है सिवान के SDO पर। कहा है कि SDO की ही लापरवाही से यह मौत हुई है, SDO मामले सुलझा दिए रहते तो इस तरह की बड़ी वारदात नहीं होती। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या हुआ है? 12 बजे लपेट में ऐसी भाई माम बगल में सोई थी, बगल में हम उसके रूम के बगल में हम सोए थे। ये लोग जब माँ चिल्लाने लगी तब हम उठे, जब तक ये काम करती। कैसे क्या हुआ है? मतलब ये गाला दाब के रहा मोहन। अच्छा, कौन मारा है? हमारे भाई थे और भवे, जबकि उसका गोड़ में के बिछिया अभी एथिए में फंसा है, सिरहानी तो और बाबू जी के जहाँ मर्डर हुआ है उसी बिछावना में वो जो गिर गिर हुए भागल भर। तो कारण क्या है आखिर मारने? जमीनी विवादी है सर, 8 बार पंचायती कर रहे हैं, 8 बार मान लिया है, और तीसरा आदमी फंसा के रखा है, इधर से उधर न जा रहे हैं। 8 बार पंचनामा बना है, 20 आदमी का दस्तखत हुआ है, मुखिया सरपंच का भी सब साइन मुहर हुआ है, आ कहता है कि ये तो भूजा खाने वाला है। उसके बाद एक एक बात बोलता है कि हम जेल हुई तो बेल हम करा, जेल हुई तो बेल करा ले मुआए। रूम दोनों आदमी का एक ही आप का रूम जो फरके है वो इसीलिए तो बंटवारा करके उसको फरके दे दिए हैं, हम फरके करकट में हैं। तो पिताजी साथ में उसे रहते ना? हाँ। माता पिता हम शुरू से 15 साल हो गया। हाँ, 15 साल हो गया है सर फरका पहले। तो जो आपका भाई है या फिर जो पिताजी आप लोग जो रहते थे, कितनी दूरी है मकान की? मतलब लगभग यहाँ से समझ जाइए कि 200-250 मीटर, मतलब इधर घूम के इधर रोड जाता है। अच्छा, यहाँ वो हो गया है और उधर हम हो गए। तो फिर पता कैसे नहीं चला आपको जब वो प्रवेश किया तो रूम में? उस सर पीछे से सब खुला है। अच्छा, पूरा वो पूरा खुला है, खाली करकट बाबू जी के या माल घर को रहने के लिए। मतलब फिर पता कैसे चला आपको? कौन चीज आपको फिर पता कैसे चला कि घटना घट गई है? सर हम 5 दिन से हमको मालूम हुआ कि ये मर्डर करने वाले हैं। पता था? हाँ, 5 दिन से हम रोज 2 बजे 2:30 बजे तक वो जा सोते हैं, सोते नहीं है, बैठते हैं उनको जागरण करने के लिए, देखभाल करने के लिए। उसके बाद हम सोचे कि लाइन खराब हो गया है, तो हम घूरा बतियात बतियात रहे, और उसके बाद हम चले गए 1 घंटा के आराम के लिए। उसी में घटना घट गई? उसी में घटना घट। 5 दिन से आपको कैसे शंका था कि मर्डर होने वाला? हमको एक आदमी दूसरा कहा कि तुम्हारे यहाँ मर्डर होने वाला है, तीसरा हमको बताया। तो इसकी सूचना आप थाने को दिए थे पहले से? ना, घटना होने ना, वाली हम SDO के यहाँ पहले सनहा दे चुके हैं 12 तारीख से। तो अभी आपके भाई या फिर उनकी जो पत्नी है लोग कहाँ है? वो तो रात का सिपाही जी गिरफ्तार कर पकड़ा गया है।
मुखिया जी, क्या जानकारी हुआ है आपके पंचायत से, एक मामला आया हुआ है? देखिए, रात के 12 बजे मेरे मोबाइल पर कॉल ये लोग किए, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, तो जो मृतक हैं उनके बड़े भाई अच्छालाल प्रसाद जी गए, जाके बोले कि मुखिया जी, हमारे छोटे भाई श्री भगवान प्रसाद का नटी दाब गला दबा के हत्या कर दी गई है जी। हम आए हैं आपको सूचना देने के लिए। हम वहाँ उनके दरवाजे पर पहुँचे, उसके बाद से थाना प्रभारी महोदय को तुरंत सूचना किए कि सर ऐसे ऐसे घटना घट गया है। थाना प्रभारी महोदय जी घड़ी से 15 मिनट माने लगा देखने में, तब तक जो गश्ती दल था तो वहाँ मौका पर पहुँच गया, और प्रभारी महोदय जी भी 10 मिनट बाद ही पहुँच गए वहाँ। तो क्या लग रहा है कि कारण हत्या का, गला दबाकर जैसे कि बताया जा रहा है, क्या कारण है? अब देखिए, वो लोग की भाई भाई की बात है दोनों आदमी की जी। अब मान लीजिए पारिवारिक कलह है, पारिवारिक जमीनी विवाद है, जमीन के पंचायती हम लोग 10 बार किए, उनके मामा के गांव के मामा के मामा लोग भी दो दो आदमी आए थे, गांव के पंच भी थे, हम भी थे, समझाया बुझाया गया कि आप लोग ऐसे बीच बिचाव किए कि बांट के अपना घर बना लो और बनाओ, लेकिन पंचायती ना मानने के बाद से अभी कार्यक्रम बढ़ते गया इस मौका पर पहुंच गया कि जहां वो जमीनी विवाद में हत्या हो गया जी। जी, जी। हम लोग तो बहुत प्रयास किए कि ये मामला सॉल्व हो जाए जी, लेकिन अब तो होनी को कोई रोक सकता है? होनी तो प्रबल है, हो के रहेगा। ठीक, मामला यहाँ पे एक आया हुआ है जो अभी गला दबाकर हत्या है। देखिए, ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौथी छाप की घटना है, और दो भाई के विवाद में पंचायती हुआ था, जमीनी विवाद के लेके, और गांवी स्तर पर भी पंचायती हुआ था, उसको लोग नहीं माने, इसको अनुमंडल पदाधिकारी के अभी लोग आवेदन दिए, बाकी अनुमंडल पदाधिकारी समय रहते हुए इसको निपटारा नहीं कराए, जिसकी आज 12 बजे रात में उनके छोटे भाई ने उनकी गला दबा के हत्या कर दी है, और उनका शव का अंतिम परीक्षण अब सदर अस्पताल में हो रहा है। निश्चित तौर पर सिवान जिला में दो दो घटना घटा, एक भगवानपुर थाना में इसी तरह की घटना घटा, आज हम लोग मुफस्सिल थाना में घटना घटा है। मैंने कहीं प्रशासन इसमें लचर व्यवस्था लग रहा है कि प्रशासन के लापरवाही, CEO और DCRR और SDO के लापरवाही के चलते आए दिन घटना घटता है, तो मैं जिला पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि जो भी आवेदन सिवान जिला में पड़ा है जिन व्यक्ति को, उसको समय रहते हुए निपटारा किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना न हो। क्या लग रहा है आपको कि SDO के यहाँ से अगर यह इस मामले का निष्पादन कर दिया गया रहता तो आज घटना नहीं होती? निश्चित तौर पर आखिर में विवाद तो हुआ जमीने के लिए, अगर समय रहते ये लोग निपटारा कर दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866 और 8789216171 पर। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, नए टेवर नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप, साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था, तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।